हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेकर। फ्रेंड्स, जो आज हम रेसिपी बनाएंगे ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है अपने हरियाणा में या फिर पंजाब साइड में। तो आज हम बनाएंगे बाजरे का खिचड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते अपनी रेसिपी। मैं यहाँ पर चार लोगों के लिए बना रही हूँ और मैंने यहाँ पर ये एक बाउल भर के इस तरीके से बाजरे का लिया है। उसको फिर दो तीन बार पानी से अच्छे से रिंस करके इस तरीके से स्ट्रेनर में रख दूंगी, जिससे 10 से 15 मिनट के अंदर इसका जो पानी है सारा अच्छे से निकल जाएगा। और फिर हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में दो से तीन बार पल्स मोड पे चला के और इसको हल्का हल्का दरदरा पीस लेंगे। इतने यहाँ पर बाजरे का पानी स्ट्रेन हो रहा है, मैं यहाँ पर चने की दाल को भिगो लेती हूँ। चने की दाल मैंने लिया है वजन से लगभग 50 ग्राम और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अब हमारा जो बाजरा है उसका पानी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेन हो गया, तो मैं इस तरीके से मिक्सर जार के अंदर उसको ऐड करके और पल्स मोड पे दो से तीन बार चला लूँगी आधा आधा मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से हमारा जो बाजरा है वो पिसके हो गया रेडी। कई लोग तो इसको इमाम दस्ते में भी कूटते हैं और जिन लोगों के पास इमाम दस्ता नहीं है वो इस तरीके से इजीली इसको मिक्सी में भी हल्का सा ग्राइंड करके और बना सकते हैं। टेस्ट इसका बिल्कुल सेम आता है, कोई ज़्यादा फर्क इसके अंदर होता नहीं है। अब हमने जो बाजरा मिक्सी जार के अंदर पल्स मोड पे पीसा था उसको एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल के इस तरीके से मैंने फटक लेना है और ये थोड़ी सी जो पतली पतली लेयर्स ही होती हैं इसको हम निकाल लेंगे अलग। इसको हमने अपनी खिचड़ी में यूज़ नहीं करना है, अगर हम इसको खिचड़ी में यूज़ करेंगे तो खिचड़ी हमारी हल्की सी कड़वी बन सकती है। तो इसको काफ़ी अच्छे से हमने ये वाला प्रोसेस बहुत ध्यान से केयरफुली करना है, अच्छे से फटक के और ये जो पतली पतली लेयर है इसको हम निकाल देंगे। इसको मैं यहाँ पर कुकर में बना रही हूँ और मैं कुकर के अंदर लूँगी जितना हमने बाजरा लिया है उसका 6 गुना पानी। तो अगर आप इसको किसी हांडी में बना रहे हो तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं खुला पका रही हूँ इसको, कोई मैं कुकर का ढक्कन बंद करके नहीं पकाऊंगी। तो कुकर क्योंकि खुला ही पकाऊंगी तो सेम प्रोसेस जितना हमने हांडी में जब हम पकाते हैं उतना पानी लेते हैं उतना ही यहाँ पे भी ले रही हूँ। तो बाजरे का 6 गुना पानी मैंने यहाँ पे लिया है और जो बाजरा मैंने फटक के अपना साफ करके रेडी करा था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब जो मैंने चने की दाल भिगो के रखी थी उसको भी पानी से स्ट्रेन करके उसका भी पानी हमने सेपरेट कर लेना है इस दाल से और वो दाल भी हम इसके अंदर अपने बाजरे के अंदर ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको उबाल आने तक काफ़ी अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही हमारी बाजरे की खिचड़ी के अंदर उबाल आ चुका होगा उसके बाद हमने इसको खुला पकाना है, ढककर नहीं पकाएंगे हम इसको। और इसके बाद जब उबाल आ चुका होता है तो बाजरे की खिचड़ी नीचे लग सकती है, तो हमने इसको बिल्कुल चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर के गैप पे, दो दो मिनट के गैप पे बिल्कुल चलाते हुए पकाना है। उबाल जब आ चुका होगा उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। कुछ और इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया नहीं जाता, बस हल्का सा एक सिंपल सा टेस्ट आता है इसका, लेकिन क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री डाइट है और खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ही सिंपल इसको बना के रेडी किया जाता है, बस हमने चला के पकाना है इसको जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। उबाल आने तक इसको हमने ढक के पकाना है और जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसको खुला ही पकाएंगे और बीच बीच में इसको फ्रेंड्स चेक करते रहेंगे। जैसे ही हमारी चने की दाल पक जाएगी, गल जाएगी, तो इट मीन्स हमारा जो बाजरा है वो भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी खिचड़ी है उसकी बनने की पहचान यही है कि हम चने की दाल जो है उसको हाथ से उंगली से ठंडा करके और इस तरीके से प्रेस करके देखेंगे। अगर चने की दाल पक गई है तो खिचड़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। फिर भी हमने मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा गाढ़ा करना है और पकाना है कम से कम 5 मिनट के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो खिचड़ी है, मैंने चने की दाल को फोड़ के देख लिया था, बन के हो गई थी रेडी। मैं इसको सर्व कर ले रही हूँ। गर्मा गर्म खिचड़ी को हम यहाँ पर सर्व कर लेंगे घी के और गुड़ के साथ। ये थी बाजरे की खिचड़ी की इजी सी रेसिपी। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।